Subscribe and click the bell icon for television updates. Well, first up, I'm not a foodie type of a person. I'm not somebody who's very passionate about food. To me, food and the place that I'm going to becomes important, because I think you can make a dull, boring day into a special day if you go with one person of your choice to a good place and eat. या आप एक चाय पीने भी चले जाएँ तो वो आप उसे एक मेमोरेबल डे बना सकते हैं. कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं. सो फॉर मी फूड इज़ दैट. सो दी एम्बियंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं घुसता हूँ तो मैं पहले एक बार एम्बियंस देखता हूँ कि यहाँ मुझे आने का मन है, कितनी देर रुकने का मन है. मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकता हूँ. चाय के बाद खाना खाने के बाद फिर से कॉफ़ी, क्या क्या होगा. बट यू नो दी एम्बियंस इज़ फैंटास्टिक. इट्स ऑल्सो द राइट प्लेस इन द सिटी बिकॉज यू नो हम एक ऐसे शहर में हैं जो ऑलरेडी काफ़ी कंजेस्टेड है. तो उसमें जब आप कुछ एक बहुत यूनिक चीज खोलें तो उसकी करेक्ट जगह होनी चाहिए. सो आई थिंक वेल डन. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं मैम, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाए, क्या कुछ अलग बनाती है ये रेस्टोरेंट, क्या कुछ चीजें अलग बनाती है ये, तो ये बताएंगी. आइए प्लीज. उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया खाना. आई एम गोना टेक हिम डाउन आफ्टर दिस. नो बट यू प्लीज टेल देम अबाउट द यूनिक खाना यू आर गोइंग टू गिव टू मी एंड एवरीवन. खाना अच्छा. फर्स्टली वी आर ग्रोइंग हाइड्रोपोनिक ग्रीन्स. मतलब हम लोग अपने ग्रीन सैलड लीव्स खुद ग्रो करते हैं. यू सी देम डाउन इन द एंट्रेंस व्हेन यू कम. तो ऑल द एवरीथिंग इज़ मोर हेल्दी. जापानीज फूड वैसे भी हेल्दी है, यहाँ पे इट्स मोर हेल्दियर. एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस. नॉर्मली जब भी आप जापानीज रेस्टोरेंट में जाते हो यू डोंट थिंक कि वेजिटेरियन में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं. तो वी मेड इट अ पॉइंट टू हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस. वी आर जैन फ्रेंडली, वी आर वेगन फ्रेंडली. सो वी गॉट ऑप्शंस फॉर एवरीबडी. No, also I think you know Japanese cuisine light होता है, healthy yeah, होता है, exactly. Everybody conceives it a particular way. But हम वो sushi भी आगे अटक जाते हैं. There's a lot more yeah, than just lot sushi. There's and a lot so, more. So variety. when you come to Tsubaki, you get a lot of variety. We got endorsement कर रहा हूँ. Thank you so much. अभी तक खाया भी नहीं है. अभी तक खाया भी नहीं है. ये होती है दोस्ती. Yes, of course. फूड की बात करें मैम, फूड की बात करें तो आप लोग कौन सा फूड सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? दाल सब्जी घर का होममेड. आप देखिए वो रेस्टोरेंट की ओनर खुद ही कह रही है. नहीं मैं इतना जापानीज खा के भी मुझे दाल सब्जी चाहिए. आई नो बट इट्स ऑलवेज नाइस. जो आपका स्टेपल फूड होता है आपका, वैसे भी हम इंडियंस जो है ना वो ढीट है. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये वहाँ जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं. मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आती, जो बचपन से खा खा के बोर हो गए और किसी दूसरी कंट्री में आके वहाँ का नहीं खाना होता इनको, ये वहाँ ढूंढते हैं ऐसे गूगल पर के इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है, फिर वहाँ जाकर कुछ एक राजमा चावल खा के बोले मज़ा नहीं आया. तो भाई तुम घर पे बैठे पटाया में जाके राजमा चावल खा क्यों रहे हो? बट खाना है, हम ढीट हैं, हम बड़े इसको कहते हैं अपने देश से प्यार, हमको कहीं जाकर अपना खाना खाना. बट एनी वे आई लाइक आई सेड आई एम नॉट रियली अ फूडी सो इट कीप्स चेंजिंग. We are going to change that now. I'm yeah, going okay. to make so, him eat. आज के बाद मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा कि मेरा favorite Japanese है. Yes. But वैसे my go-to is Italian. But आज के लिए Japanese. Yes, thank you. Yes, I don't look very Japanese, but anyway. Otherwise, I would have done a little Japanese impersonation for you. सवाल खत्म हो गए. जी 2023 is exciting. ये पूरा साल बीत गया ये काम करने में, but अब release अगले साल होगा. There's a sequel to Gadar with Sunny Deol, and there's a Netflix show called Rana Naidu. और दोनों जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है चौक एंड चीज़ और उर्दू में कहा जाता है मुख्तलिफ, तो वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. सो वो दोनों अगले साल शुरुआत में ही आ जाएंगे. सो फिंगर्स क्रॉस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. They want to make the frame look pretty. देखिए बड़ा डॉन्टिंग हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है. मैं तो यू नो बिल्कुल अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकता कि सनी सर क्या फील कर रहे होंगे या अनिल शर्मा सर क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ ऑल टाइम है और एक पूरी जनरेशन उन सीन्स को देख देख कर बड़ी, उन गानों को गुनगुनाते बड़ी हुई. और मैं सेट पर था जिस दिन, इनफैक्ट मेरी एंट्री से जस्ट पहले, फिल्म में मेरी एंट्री से जस्ट पहले मैं निकला गड्डी लेके का नया वर्जन आता है. एंड
जो सेट पर एनर्जी और माहौल था, जो खुशी थी, जो तालियां बज रही थी, जो मुस्कुराहटें थी, क्योंकि सबके लिए एक पर्सनल मेमोरी है वो, तो बहुत प्रेशर होता है किसी बहुत सक्सेसफुल चीज़ को दोबारा से बनाना। बट कहानी बहुत ही खूबसूरत और इफ़ आई कैन से एक बहुत नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस की है। कभी कभार सीक्वल बनाने के लिए आप एक ज़बरदस्ती की कहानी को पुश करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ आपने लास्ट छोड़ा था और जहाँ से ये फिल्म शुरू होती है, वो एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है कहानी का। एंड अनिल जी हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब ऑफ टेकिंग दिस फर्दर एंड येट मेकिंग इट इंटू अ 2022-2023 टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक पुरानी टाइप की फिल्म है, बट एट द सेम टाइम पुरानी गदर की वाइब भी मिलेगी।